हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। तो 2.1 फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। सो वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? ठीक है, सबसे पहले तो हमने साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन इनवर्स का हम क्या लिख लेंगे? डोमेन और रेंज लिख लेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम पहले सॉल्व करें इसको। तो साइन इनवर्स x, ओके, उसका डोमेन क्या होता है बच्चों? -1/2, 1। और जो उसकी रेंज होती है बच्चों, वो क्या होती है? रेंज आपको लिखवाई थी -π/2 to π/2, ठीक है। ये होती है इसकी रेंज, यानी कि जो इसकी वैल्यू है साइन इनवर्स -1/2 की, वो इसके अंदर आनी चाहिए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। यानी कि इस जो -1/2 की वैल्यू है, वो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, ओके बच्चों। सो नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें, सो लेट सपोज करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज x, सपोज कर लिया मैंने, क्या सपोज करो बच्चों? x सपोज किया, ठीक है, गौर से देखो, x सपोज कर लिया। अगर मैं साइन इनवर्स को इधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा? साइन x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? -1/2। साइन x इज इक्वल टू -1/2। साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ प्लस होती है बताओ? क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ पर होती है? यहाँ पर और यहाँ पर। ये हो गया x, तो साइन की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि +π/2 से -π/2 के अंदर लाई करनी चाहिए, ठीक है। यही तो, सो लाई करनी चाहिए। अब माइनस के क्वाड्रेंट में आ गई, तो -1/2, तो साइन x इज इक्वल टू -1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की, यानी कि साइन π/6 की। किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की। माइनस साइन π/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस साइन π/6 को साइन -π/6 लिख सकता हूँ ना। साइन -θ इज इक्वल टू क्या होता है? -sin θ। तो मैंने उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। सो अगर हम आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? -π/6। x की वैल्यू क्या आ गई? -π/6। अब देखो, क्या -π की वैल्यू कहाँ लाई होनी चाहिए? -π कहाँ आना चाहिए? π/2 to -π/2 से कहाँ तक? π/2 के बीच में आनी चाहिए, यानी कि यहाँ के बीच में आनी चाहिए कहीं भी। तो π/2 से और -π/2 से π/2 के बीच आ रही नहीं आ रही है? ऑफकोर्स आ रही है, -π/6। तो दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो इट इज़ क्या? प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -π/6, इट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। इस तरीके से करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ईजी है, सिंपल मेथड है, ओके। नाउ अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जैसे का सेकेंड पार्ट है, कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2, सो लेट्स सॉल्व। अच्छे बताओ, कोस इनवर्स x का पहले हमें क्या लिखना? कोस इनवर्स x को जो डोमेन है वो क्या होता है? -1/2, 1। और जो रेंज है वो क्या होती है? 0 to π, इसकी होती है रेंज, ओके बच्चों, इसकी रेंज होती है। अब हम बात करते हैं लास्ट, जो वैल्यू कहाँ लाई करनी चाहिए इसकी, इस पर्टिकुलर फंक्शन की जो वैल्यू है 0 to π के अंदर क्या करनी चाहिए? लाई करनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम सपोज करते हैं, लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज क्या सपोज करा? कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू एक्स सपोज किया, ठीक है। सो वही फिर से, अब हमें क्या देखना? देखो, 0 to π जो वैल्यू है वो कहाँ आनी चाहिए? 0 to π के अंदर और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। कहाँ आनी चाहिए? पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। अब कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है? एक तो यहाँ पे होता है, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ होता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सो इस क्वाड्रेंट में या फिर इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी, ओके, किसकी वैल्यू? कॉस इनवर्स -3/2 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। सो अगर हम बात करें कोस एक्स की, तो किसके इक्वल आ जाएगा? √3/2। यहाँ से निकाल लिया हमने कोस एक्स, कोस एक्स इज इक्वल टू √3/2। अब हम अगर √3/2 की बात करें, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस
30 की वैल्यू कॉस 30 का लिखा होगा कॉस 5/6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 5/6, यानी कि 80। अब ये बताओ क्या पाई बाई सिक्स लाई कर रही है नहीं कर रही है 0 to π में? अरे पाई बाई सिक्स तो लाई कर रही है ना 0 to π में। सो हैंस वी कैन से दैट कि x इज इक्वल टू पाई अपॉन सिक्स इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट 3/2। इसी की वैल्यू ना, क्यों? क्योंकि ये लाई कर रही है किसके अंदर? 0 to π। हमने देख लिया कि x की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके अंदर लाई कर रही है? 0 to π के अंदर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन इज कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, सो सिंपली हमने क्या इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको एक ट्रिक लगानी है। ट्रिक मतलब मीन्स आपको एक तरीके से उसको लेके चलना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तुम। तो कोसेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है उसका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं? -1 to 1, ये सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 1 से 1 तक। ठीक है, और जिसका डोमेन रेंज होती है वो क्या होती है? -π/2 से π/2, एंड सब्सट्रैक्ट कर देते हैं हम इसको किसको? 0 का इसमें से क्या कर देते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब लेट सपोज करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि कोसेक इनवर्स 2 इज एक्स। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू दिस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या सपोज कर ली हमने? एक्स सपोज कर ली। तो अगर हम कोसेक एक्स की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। अच्छा, 2 किसके इक्वल होता है? यानी कि अगर कोसेक में बात करें तो 2 किसके इक्वल होता है? कोसेक 30। कोसेक 30 मीन्स कोसेक पाई बाई 2। कोसेक पाई बाई 2 यानी कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ रहा है। ठीक है, आ तो रहा है, लेकिन वी हैव टू चेक कि ये फंक्शन इसको बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। यस, पाई बाई 6 क्या है? इस पर्टिकुलर जो इसकी रेंज है उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज पाई बाई 6। किसके इक्वल है? पाई बाई 6 के इक्वल है। ओके बच्चों, तो सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चलना। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर इज टैन इनवर्स -√3। यह है टेन की वैल्यू, टेन इनवर्स -√3। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। सो हमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो डोमेन है वो क्या है? डोमेन होता है इसका क्या? रियल नंबर। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? ओपन में -π/2, ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में होती है। ठीक है, π/2 नहीं होती, लेकिन इसके बीच में होती है। ठीक है ना। सो अगर हम बात करें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की, तो सर सपोज करते हैं लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3, क्या सपोज कर लिया हमने? -√3 को इसको x सपोज कर लिया। सो tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -√3। क्या आ गया? -√3। अब tan x की अगर मैं बात करूँ tan x की, तो tan x किसका फंक्शन होता है? tan x की जो वैल्यू होती है √3, कब आती है √3 वैल्यू? tan 60 पर ना। सो tan 60 यानी कि tan π/3। अच्छा, tan π/3 आ गया, यानी कि tan x इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं tan -π/3, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया? -π/3। चेक करो कि -π/3 इस इंटरवल को लाई कर रही है नहीं कर रही है? किसको? जो इसकी रेंज है। रेंज क्या है? -π/2 से π/2 के बीच में। यस, ऑफ कोर्स इट लाइज ऑन -π/2 to π/2। अरे लाई करेगी नहीं करेगी? यहाँ पे जस्ट सपोज करो पाई बाई 2 है, यहाँ पे -π/2 है, तो π/3 का यहाँ पर होगा ना। सो लाई कर रही है -π/3। सो वी कैन से दैट, यहाँ से फिर से लिखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
tan inverse माइनस रूट थ्री इज माइनस पाई अपॉन थ्री, किसके इक्वल है, माइनस पाई अपॉन थ्री के। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर फाइव। सो क्वेश्चन नंबर फाइव इज कोस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो हमें पता है कि कोस इनवर्स एस की जो वैल्यू है, यानी कि जो डोमेन है वो क्या होता है, माइनस वन टू वन, और जो इसकी रेंज होती है वो क्या होती है बेटा, जीरो टू पाई होती है, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल के अंदर ये लाई करेगी जो वैल्यू है कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू की। सो लेट सपोज कर लिया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू इज एक्स सपोज कर लिया। सो अगर हम इसको फाइंड करें तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा, और कॉस एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू किसकी वैल्यू होती है, कॉस थर्टी की ना, यस कॉस थर्टी की, कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है, सॉरी। सो कॉस सिक्सटी की, यानी कि माइनस कोस पाई अपॉन थ्री, किसकी वैल्यू, पाई अपॉन थ्री की वैल्यू। अच्छा अब ये बताओ कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा ना। सो गौर से देखना, माइनस कोस थीटा तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर इसको कन्वर्ट करें कोस एक्स को, माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ये फॉर्मूले गौर से लगाना, माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। सो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है, तो देखो यहाँ पे हमने लगाया क्या, कोस पाई माइनस पाई माइनस पाई अपॉन थ्री। देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ लिखूँ मैं कोस पाई माइनस पाई अपॉन थ्री, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस पाई अपॉन थ्री लिख सकता हूँ ना मैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। सो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस टू पाई अपॉन थ्री, टू पाई कैसा आ गया, थ्री पाई द थ्री पाई, एंड माइनस पाई करेंगे टू पाई अपॉन थ्री, कोस से कोस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, टू पाई अपॉन थ्री। यानी कि चेक करो कि एक्स की वैल्यू टू अपॉन टू पाई अपॉन थ्री जीरो टू पाई के बीच में लाई कर रही, नहीं कर रही है, ऑफ कोर्स कर रही है, क्योंकि अगर थ्री को टू को थ्री से डिवाइड करोगे तो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, वन पाई भी नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू इज टू पाई अपॉन थ्री। समझ गए ना, कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स टेन इनवर्स माइनस वन, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो लेट्स जो हम आप टेन इनवर्स एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो डोमेन है उसका क्या है, रियल नंबर, और जो कोडोमेन है उसका यानी कि जो रेंज है उसकी वो क्या होती है, ओपन इंटरवल में माइनस पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू के बीच में, ठीक है। सो लेट सपोज क्या कि पी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया। क्या सपोज करा बेटे, टेन इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स सपोज किया। सो बेटा टेन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, सो माइनस वन देखो फिर से क्वाड्रेंट बना के समझाता हूँ, वैसे समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब बताओ टेन की वैल्यू माइनस कहाँ पे होती है, टेन की वैल्यू माइनस जो होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, तो टेन की वैल्यू प्लस कहाँ पे होती है, यहाँ पर, यहाँ पर टेन की वैल्यू माइनस, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। टेन की वैल्यू यहीं पर तो होती है, यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में और इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, ठीक है। यानी कि साइन की वैल्यू कहाँ से जाएगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, यानी कि पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू इनके बीच में जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर या तो यहाँ पर आएगी या फिर यहाँ पर आएगी, ठीक है। सो अगर हम बात करें टेन माइनस वन की, तो टेन वन की वैल्यू, टेन वन किसकी वैल्यू होती है, वन किसकी वैल्यू होती है, टेन फोर्टी फाइव की। सो टेन फोर्टी फाइव मीन्स माइनस टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है। सो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन माइनस पाई अपॉन फोर लिख सकता हूँ ना, अरे माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन माइनस थीटा। सो टेन की वैल्यू हमने ये लिखी तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पाई अपॉन फोर। चेक करो कि माइनस पाई अपॉन फोर की वैल्यू माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में आ रही, नहीं आ रही है, ऑफ कोर्स आ रही है, यानी कि ये कहीं पर यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ठीक है ना, माइनस की वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर जगह पर। सो जो वैल्यू आई है हमारी, जो
हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है कितनी, माइनस पाई अपॉन फोर. सो वी कैन से दैट द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, क्या फंक्शन क्या है हमारा, टेन इनवर्स माइनस पाई अपॉन फोर, नहीं टेन इनवर्स माइनस वन इज टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन इज माइनस पाई अपॉन फोर, ये आंसर होगा. ठीक है ना, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया हो. इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेवन इज सेक इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री. सो सेक की जो सेक इनवर्स एक्स है उसका जो डोमेन वो क्या है, रियल नंबर माइनस वन टू वन, ठीक है, सब्सट्रैक्ट किया. एंड देन द रेंज जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, जीरो टू पाई, जिसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं पाई अपॉन टू सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें सेक इनवर्स एक्स माइनस आर माइनस माइनस वन अपॉन टू जीरो टू पाई माइनस पाई अपॉन टू. सो लेट हमने सपोज किया कि द प्रिंसिपल वैल्यू पी वी ऑफ सेक इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री, वो हमने सपोज किया क्या, एक्स सपोज किया. तो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई, जल्दी बताओ, टू अपॉन रूट थ्री, क्या गई, टू अपॉन रूट थ्री. अब टू अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, सॉरी सेक एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री. तो सेक एक्स की टू अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, सेक पाई बाई सिक्स की, सेक पाई बाई सिक्स की आ गई ना, यानी कि किसकी, सेक थर्टी की वैल्यू. सो सेक से सेक कैंसिल, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई अपॉन सिक्स. अब चेक करो कि एक्स की वैल्यू पाई अपॉन सिक्स इस पर्टिकुलर जो हमारा रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसमें लाई कर रही नहीं कर रही, ऑफ कोर्स कर रही है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि पाई अपॉन सिक्स इज द प्रिंसिपल वैल्यू, कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको, टेंशन ना लेना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कौन से की, सेक इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री, ये हमारा आंसर आ गया. बस आपको एग्जाम में इतना ही करना, ठीक है, समझाने को और करने को तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूले ला के ये इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर रीजन में आ रही है नहीं आ रही है. लेकिन सिंपल तरीका यही है एग्जाम पर्पज से कि आपको सिंपली इस तरीके से करते हुए इस क्वेश्चन को चलना है. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय.